टेडी बियर में स्नाइपर गन। स्कूल मस्जिदों में टेरर नेटवर्क। हमास की खौफनाक साजिश। IDF के खिलाफ बड़ा प्लान। गाजा में हमास का रिएक्शन देख इजरायली सेना के होश उड़े हुए हैं। इजरायली सेना की बमबारी के बीच हमास ने गाजा में जो व्यू रचना की है, बेनामिन नेतन्याहू के पास उसका कोई तोड़ नहीं दिख रहा। इजरायली सेना जिस ओर मूव कर रही है, हमास ने उस रास्ते में बम फिट कर दिया है। यह सही है कि 19,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, लेकिन इजरायली सेना की जीरो डेथ वॉर की स्ट्रेटजी के भी बरखच्चे उड़ गए हैं। हमास के जबरदस्त प्रतिक्रिया के वजह से ही 27 अक्टूबर से, यानी जब से इजरायल ने गाजा में जमीनी हमले शुरू किए हैं, 121 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा हमास ने नहीं बल्कि इजरायली सेना ने ही जारी किया है। चालीस से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में हमास ने ऐसी कौन सी तैयारी कर रखी है कि इजरायली सेना गाजा पर अब तक कब्जा पाने में असमर्थ रही है। हमास ने ऐसे कौन से हथियार जुटा रखे हैं जिसका जवाब इजरायली सेना के पास नहीं है। हमास के लड़ाकों ने पूरे गाजा में फैली सुरंगों की रचना कैसे कर रखी है कि इजरायल की सेना उनमें घुसने से पहले ही मात खा रही है। इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। अभी हमास ने इजरायली सेना के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है उसे देखिए। हमास नए नए तरीकों से IDF के जवानों पर हमले कर रहा है। हमास के आतंकियों ने गोड़ियों के अंदर बम भरकर उसमें रोने की आवाज निकालने वाले स्पीकर लगा दिए हैं। उनकी कोशिश थी कि इजरायली बंदूकों की तलाश कर रहे IDF के जवान उसे बच्चों के रोने की आवाज समझेंगे। जैसे ही उनके पास आएंगे, बम के धमाके में मारे जाएंगे। लेकिन हमास डाल खेल रहा है तो इजरायल पात। इजरायल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस साजिश का पता लगा के अपने जवानों को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद डिस्पोजल स्क्वाड ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हमास गुड़ियों और बच्चों के बैकपैक्स को जानबूझकर एक सुरंग शॉट के पास रखा था, जो एक बड़े टनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इजरायली सेना ने उस इलाके की तलाशी ली और घात लगाकर किए गए हमले के साथ साथ क्षेत्र में हमास की खुफिया जानकारी और टैंक रोधी ठिकानों का भी पर्दाफाश किया। IDF ने दावा किया था कि हमास के आतंकियों ने टेडी बियर के अंदर स्नाइपर राइफल और बम छिपाए हुए थे।
इन टेडी बियर को लेकर आतंकी आम लोगों के बीच रहे थे। इसके अलावा गाजा के कई स्कूलों और मस्जिदों के नीचे टनल नेटवर्क भी मिला है। इसके जरिए आतंकवादी सुरक्षित आवाजाही करते। इतना ही नहीं, हमास ने इजरायली सेना की नजर से बचाने के लिए स्कूल में हथियारों का गोदाम बना रखा था। हमास के पास बिना शक इजरायल वाला वेपन पावर नहीं है, लेकिन हमास के पास हथियारों में घरेलू रॉकेट, अपग्रेडेड AK-47 और सोवियत संघ के दौर के मशीन गन के अलावा कई सस्ते नए और चोरी किए हुए हथियार हैं। कई ऐसे एडवांस हथियार भी मिले हैं जिनकी सप्लाई ईरान ने की, तो कुछ ऐसे हैं जिनका निर्माण उत्तर कोरिया में किया गया। ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि हमास की पसंदीदा राइफल कौन सी है। सोवियत दौर में निर्मित 7.62 मिलीमीटर कैलिबर वाली AK-47 असॉल्ट राइफल हमास का सबसे पसंदीदा हथियार है। आतंकी इसकी मदद से कई राउंड तक गोलियों की बौछार करते हैं। इसके अलावा SVD, ड्रैगनो, ग्रूस सेमी ऑटोमेटिक 7.62 मिलीमीटर कैलिबर स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल हमास 20 किलोमीटर दूर से हमला करने के लिए कर रहा है। हमास के ट्रक भारी मशीन गन M2 ब्राउनिंग HMG से लैस हैं। ये पैदल सेना हल्के बख्तरबंद वाहनों और कम उड़ान वाले विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, हमास जैसे संगठनों के पास जो भी हथियार हैं वो या तो ईरान से आए हैं या हमास ने स्मगलिंग से उसे मंगाया है या सोवियत दौर के हैं। इन हथियारों से हमास इजरायल को नुकसान तो पहुंचा रहा है। 9 किलो वाला RPG-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर हमास का फेवरेट है। ये काफी सस्ता और उपयोग में आसान है। सोवियत संघ का बना यह हथियार कंधे पर रहता है और एक ट्यूब से रॉकेट दागता है। ये रॉकेट आसानी से 200 से 700 मीटर की दूरी पर मौजूद टैंकों को आसानी से तबाह कर सकता है। हमास को इजरायली सेना की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए हमास ने 2014 से ही इजरायली हमले का प्रतिकार करने की तैयारी शुरू कर दी थी। जिन सुरंगों को नष्ट करने की बात हो रही है या नष्ट की जा रही है, ये सुरंगें दुनिया के लिए अजूबा है। सोचिए जरा, 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में जमीन के नीचे हमास ने 500 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद रखी है। इन सुरंगों में हमास की जान बसती है। इनके हथियार, इनके लड़ाके, इनके नेता सारे सुरंगों में शरण पाते हैं। जहां तक सुरंगों के सफाई की बात है, तो इसराइल ने बहुत सी सुरंगों को मठिया मेट कर दिया है, लेकिन अभी ऐसी कई सुरंगें हैं जहां अब भी इसराइल की सेना नहीं पहुंच पाई है। इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए अब इजरायली सेना इनके भीतर समंदर का पानी छोड़ रही है। हमास का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। लंबे वक्त तक हमास के टिके रहने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। ईरान, जिससे सबसे ज्यादा हथियार मिलने की हमास को उम्मीद थी, उसने साथ छोड़ दिया है, लिहाजा हमास फंस गया है। बाकी किसी भी अरब देश से उसे कोई मदद नहीं मिल रही, जबकि इजरायल को अमेरिका से सीधे हथियारों की सप्लाई हो रही है। नतीजा जमीन पर दिख रहा है। لقينا دار جيراننا المسلمي انقصفت على الطابق الرابع وفي طبعا شهداء وفي جرحى وفي واحد شهيد لسه من امبارح لقيت طلوع اسرائيل की ओर से ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने गाजा के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। गाजा हमले में करीब 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सेंट्रल गाजा के एक शरणार्थी शिविर पर हुए हवाई हमलों में करीब 33 लोगों की जान चली गई है। इनमें 14 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। रफा शहर में हवाई हमलों में करीब 8 लोगों की मौत हो गई है।
हर बीतते दिन के साथ इसराइल गाजा पर अपना नियंत्रण बना रहा है। खान योनुस में इस वक्त इजरायली सेना भीषण बमबारी कर रही है। खान योनुस ने गाजा के कई बड़े शहरों पर इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि जिन्हें युद्ध विराम की उम्मीद दिख रही है उन्हें बहुत निराश होना पड़ेगा। बंधकों की मौत की हमास वाली धमकी का इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर कोई असर नहीं दिख रहा है। इजराइल फिलिस्तीन की जंग देखते देखते कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन 2023 में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा है उसने तबाही की नई कहानी लिख दी है। इजराइल इस इरादे के साथ मैदान में उतरा है कि हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक गोली चलाते रहना है, जबकि हमास इसकी कोशिश कर रहा है कि बीते सालों के तरफ बंधकों के नाम पर वो युद्ध विराम करवाएगा, संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाएगा और विश्व बिरादरी से इसराइल पर दबाव बनवाएगा कि वो हमास पर हमला नहीं करे। हमास की ये कोशिश आंशिक रूप से रंग भी ला रही है। अमेरिका ने इसराइल को दो टूक कहा है कि हमास के आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के दौरान ये ख्याल रखा जाए कि किसी आम फिलिस्तीनी की इसमें मौत ना हो, लेकिन युद्ध में इसराइल इस कदर उलझा हुआ है कि अपनों तक को पहचानने में इजरायली सेना से भूल हो रही है। इन तीन युवकों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था। इजरायली सेना ने गाजा पर हमला किया तो पहचान के संकट के कारण इन तीनों को गोली मार दी। हालांकि इजरायली सेना ने अपनी गलती कबूल कर ली है, लेकिन युद्ध में ऐसी गलती की संभावना लगातार बनी रहती है। सवाल, फिर युद्ध कहां जाकर रुकेगा और 22 लाख फिलिस्तीनियों के भविष्य का क्या होगा? इस सवाल का जवाब नेतन्याहू के पास नहीं है, क्योंकि इसकी तैयारी में अमेरिका जुट गया है। जो बाइडेन का कहना है कि वो एक नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण देखना चाहते हैं, जिसे महमूद अब्बास 2005 से चला रहे हैं। बाइडेन चाहते हैं कि संघर्ष समाप्त होने के बाद नई फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा में कार्यभार संभाले। गाजा में आखिरी बार चुनाव 2006 में हुए थे। इस चुनाव में हमास को जीत मिली थी, लेकिन हमास ने सरकार बनाते ही महमूद अब्बास की फतेह पार्टी के नेताओं के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी थी। इस हिंसा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फतेह के हजारों कार्यकर्ता मारे गए। इस हिंसा के बाद महमूद अब्बास ने हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को पद से हटा दिया था, लेकिन हानिया ने इससे इनकार करते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। गाजा का क्या होगा? ये तभी तय होगा जब युद्ध समाप्त होगा या युद्ध विराम होगा, और ये दोनों सूरतें फिलहाल तो कम से कम नहीं दिख रही हैं। हाँ, एक बात जो अब तक युद्ध के दौरान देखी गई वो ये कि अरब वर्ल्ड का कोई भी देश हो हमास के साथ जमीन पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना ही खुलकर मदद देने के लिए राजी है। यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले या लेबनान के हिजबुल्ला लड़ाकों के अटैक इसराइल को रोक पाने में समर्थ नहीं है, और इसराइल तभी युद्ध विराम करेगा जब हमास के अंतिम आतंकी को मारकर वो गाजा पर कब्जा कर लेगा।